ना किसी नेता से चलेगा, ना किसी एक विचारधारा से चलेगा, ना किसी एक पार्टी की तानाशाही से चलेगा, ना लोकतंत्र के दुरुपयोग से चलेगा, ना एक धर्म में एक जाति से चलेगा, ये देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। आज ये पैगाम सर पे लाल टोपी रख करके एक बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में फतह करके दिल्ली पहुंचे, संसद के गलियारों में प्रवेश करते इस समाजवादी खेमे की तरफ से दिया गया, समाजवादी तेवर की तरफ से दिया गया। लाल रंग क्रांति का रंग है, लाल रंग इंकलाब का रंग है, लाल रंग संघर्ष और जुनून का रंग है, लाल रंग विचारधारा का रंग है। इस लाल रंग के तेवर के साथ समाजवादियों ने संसद के गलियारों में एक उम्मीद पैदा कर दी है, एक संघर्ष की उम्मीद, विचारधारा की उम्मीद, तेवर की उम्मीद, उम्मीद इस बात की कि अब कोई तानाशाह किसी अहंकार में ये कतई कहता हुआ दिखाई नहीं देगा कि एक अकेला सब पर भारी। अब उसके सामने समाजवादियों की टोली खड़ी होगी जो उनसे सवाल करेगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात करने वाले तमाम बीजेपी के नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। प्रधानमंत्री जी, जब आपको संसद भवन के पुराने प्रांगण में संविधान की प्रतियों पर सर झुकाते सजदा करते देश ने देखा, फिर एक बात का जवाब तो प्रधानमंत्री जी आपको देना पड़ेगा कि ये सजदा क्या था, इस सजदे की बुनियाद क्या थी, क्या सजदा दिखावा था या वाकई आपके दिल में संविधान को लेकर कोई प्रेम और मोहब्बत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा जिस्म दबकर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। क्योंकि अगर समाजवादियों के हाथ में संविधान की पुस्तकें हैं तो समाजवादी विचारधारा के लोग बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के साथ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा के साथ अब आपसे सवाल पूछने सदन के गलियारों में पहुंच चुके हैं, और वो सवाल पूछेंगे कि संविधान को बदलने की बात करने वालों को आपने अब तक क्यों नहीं बदला। इसलिए वो संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर गए थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अगुआ, जिन्होंने पूरा चुनाव अकेले इस बात पर लड़ा, जिनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनकी राजनीति से अगर आप वाकिफ न हैं तो फिर वाकिफ हो जाइए कि इनके सामने चुनाव लड़ना जो उस स्तर पर नहीं उतर सकता जिस स्तर पर ये लोग उतर गए। लेकिन चुनाव तो कोई उत्तर प्रदेश में लड़ा तो वो एक ही व्यक्ति लड़ रहा था, और वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। और उस संविधान के रक्षण की बात करते हुए अखिलेश यादव ने जिस तेवर के साथ बीजेपी को अयोध्या फैजाबाद हराया, श्रावस्ती हराया, प्रयागराज इलाहाबाद हराया, चित्रकूट हराया, 37 सीटों पर हराया, तो जनता की एक जिम्मेदारी वो समाजवादियों के कंधे पर आ गई है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद, अयोध्या से सांसद, जो अयोध्या, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अयोध्या बीजेपी के लिए कितनी अहमियत रखती थी आपको भी पता है, लेकिन उसका अभी भी लोकसभा में नाम फैजाबाद है, वहां के सांसद अवधेश पासी अब खड़े होकर पूछेंगे कि जिस राम पथ का, जिस अयोध्या की सड़कों का, जिस रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल का उद्घाटन किया था बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, पहली बारिश में जमीन दोज हो गया,
पहली बारिश में सड़कें धंस गईं, पहली बारिश न झेल पाए, राम आपसे नाराज हो गए, इसलिए फैजाबाद अयोध्या हरा दिया। लोग आपसे पूछेंगे कि कहीं जमीन घोटाला तो कहीं घर तोड़ना, दर्द था ना, जनता ने फैसला सुना दिया। वो सांसद खड़े होकर पूछेंगे अखिलेश यादव के पीछे खड़े होकर कि जातिवार जनगणना पर नरेंद्र मोदी जी आपका क्या स्टैंड है, और जैसे ही अखिलेश यादव जी जातिवार जनगणना की मांग करेंगे, बगल में बैठे नीतीश कुमार के सांसद क्या सोचेंगे, प्रधानमंत्री जी आपके बगल में बैठे हुए गृह मंत्री अमित शाह क्या सोचेंगे, जिन्होंने बिहार में जाकर जातिवार जनगणना की क्रेडिट ली है। और अगर बिहार में नीतीश कुमार और अमित शाह जी जातिवार जनगणना के पक्ष में हैं, प्रधानमंत्री जी आपने दोनों पांव फैलाकर देश को बताया है कि मैं ओबीसी हूं, आपने कभी बीपी मंडल का नाम क्यों नहीं लिया, आपने कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह के जन्मदिन पर वो बात क्यों नहीं दिखाई कि जिन्होंने मंडल लागू किया था। समाजवादी लोग तो अब आपसे पूछेंगे कि जातिवार जनगणना क्यों नहीं हो रही है, आप क्या जवाब देंगे, नीतीश कुमार जी क्या जवाब देंगे। 37 सांसद हैं समाजवादियों के, और समाजवादियों ने अपने घोषणा पत्र में जातिवाद जनगणना को प्राथमिक एजेंडे की तरह रखा है। संविधान की बात होगी तो आप क्या जवाब देंगे, जातिवाद जनगणना का सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे, अग्निवीर और पेपर लीक पर ये सांसद आपको घेरेंगे, क्योंकि चुनाव ही अखिलेश यादव ने अग्निवीर के मुद्दे पर लड़ा, चुनाव ही पेपर लीक के मुद्दे पर लड़ा, किसानों के मुद्दे पर लड़ा, नौजवानों के मुद्दे पर लड़ा, संविधान के मुद्दे पर लड़ा। पक्की नौकरी की बात अखिलेश यादव ने अगर सड़क पर की है तो हम संसद में उनके सिपाही खड़े होकर पूछेंगे कि संविदा पर नौकरी क्या आप इसलिए देते हैं ताकि आपको आरक्षण से दिक्कत है और आप इस देश का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान रहेगा तब तक यह आरक्षण तो रहेगा, इस बात को कहते हुए 37 सांसद सदन में खड़े होंगे। ऐसी उम्मीद उत्तर प्रदेश के लोग और समाजवादी विचार के लोग, अंबेडकरवादी विचार के लोग किए। अखिलेश यादव आज बदल कर कहां खड़े हैं, फिर से कह रहा हूं, गौर से देखिए समाजवादी पार्टी के इन बैनरों और पोस्टरों को। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मरहूम नेताजी रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है जो इन तीनों को अपना केंद्रीय आइकॉन मानते हैं, तो उसमें बाबा साहब भी हैं, और बगल में ये सारी तस्वीरें गौर से देखिए और बार बार देखिए। झलकारी बाई से लेकर अवंती बाई लोधी, वीरांगना उदा देवी से लेकर महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर से लेकर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, संत गाडगे से लेकर सरदार पटेल, शिक्षा ज्योति क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले से लेकर बेनी प्रसाद वर्मा, अब्दुल कलाम से लेकर तमाम समाजवादी लोगों की तस्वीरें, अगर इस पीढ़ी की बात करने वाले समाजवादी लोगों के विचारधारा का केंद्र बन गई, तो इस बदलाव का स्वागत तो करना पड़ेगा ना। अतीत के पन्नों में बहुत सारी गलतियां हुई, और अगर आप परोक्ष रूप से उस एजेंडे के ट्रैप में आ जाएं जो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है, तो फिर हम आपको दूर से ही प्रणाम करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका का वक्त है, और ये लड़ाई विचारधारा की है। अगर एक पार्टी संविधान की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, जातिवाद जनगणना की बात करती है, एससी एसटी ओबीसी को उनका हक दिलाने की बात करती है, तो उस बदलाव को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हर कोई अतीत की गलतियों से सबक लेता है, हर कोई भविष्य के लिए बेहतर होने की कोशिश करता है, और हमारी लड़ाई तो विचारधारा की यही लड़ाई ही रही कि केंद्र में अगर आइडिया ऑफ इंडिया के कोई एक विचार है तो वो सोशल जस्टिस है। हम जैसे लोग तो सालों साल से इसके लिए संघर्ष करने वाले लोगों में शामिल रहे, हजारों लोगों ने इस देश के संघर्ष किया कि सामाजिक न्याय का मुद्दा देश का केंद्रीय मुद्दा बने,
जातिवार जनगणना का मुद्दा केंद्रीय मुद्दा बने, बाबा साहब अंबेडकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचार केंद्रीय विचार बने, संत गाट के महात्मा बुद्ध महात्मा कबीर से लेकर रैदास के विचार, फूले अंबेडकर पेरियार के विचार इस देश के मूल विचार बने, मंडल और कांशीराम के विचार इस देश के विचार में बने। और अगर आज 37 सांसद अपने तेवर के साथ, समाजवादी लाल रंग के इस तेवर के साथ सदन में खड़े होंगे, तो मुझे यकीन है कि वो विचारधारा की लड़ाई मजबूत होगी जो आरएसएस और बीजेपी के सामने चुनौती बनकर खड़ी होगी। इसी उम्मीद के साथ इन तमाम क्रांतिकारी समाजवादियों को मेरी बधाई पहुंचे, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी देश की जनता ने, आवाम ने दिया है। आपको बधाई इस बात के लिए कि आपने इस देश को सांप्रदायिक और सामंती अंधकार में जाने से बचा लिया, लेकिन अभी लड़ाई बाकी है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम उम्मीद करते हैं कि लड़ाई जारी रहेगी और इसी उम्मीद को आगे बढ़ाने का काम विचारधारा करेगी। एक नए अखिलेश यादव का नेतृत्व मिला है समाजवादी पार्टी को, जैसे एक नए राहुल गांधी का नेतृत्व मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, और इस बात के लिए राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, स्टालिन को, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम समाजवादी और अंबेडकरवादी विचारधारा के लोगों को एक क्रांतिकारी सलाम तो बनता है कि उन्होंने देश का एजेंडा सेट कर दिया है, और वो एजेंडा है बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, और उसकी विचारधारा है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के विचारधारा। यही हमारी लड़ाई थी, यही हमारा स्वप्न है, यही हमारी विचारधारा है, और हम शान शौकत से उन सारे लोगों की एका के साथ खड़े होंगे जो सामाजिक न्याय की, लाल रंग की क्रांति की इस विचारधारा को आगे बढ़ा करके सामंती, सांप्रदायिक और तानाशाही प्रवृत्तियों को रोकेंगे और एक खूबसूरत भारत बनाएंगे। ऐसे उम्मीद के साथ शुक्रिया।